छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर जांजगीर चांपा के राहौद गांव के रहने वाले होनहार जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन के सुसाइड के मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच कराकर आरोपियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर भागवत जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक में पढ़ाई कर रहे जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने खुदकुशी से पहले लिखे सुसाइड नोट में अपने सीनियर्स पर लगातार रैगिंग करने, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और इसी बात से परेशान होकर उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। रैगिंग से परेशान होकर भागवत ने 3 अक्टूबर को हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। डॉक्टर भागवत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मामले में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाए जाने की मांग की है। 3 अक्टूबर को भागवत का शव उनके गृहग्राम लाया गया, जहां अंतिम संस्कार से पहले घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की थी। अब स्वयं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मामले को संज्ञान में लेकर सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई और भागवत के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। इस मामले में अब तक जबलपुर पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।